हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि रिलेटेड होंगे हमारे DDQ टॉपिक से। DDQ क्या है? एक डाइक्लोरो डाइसाइनो क्यूनोन। ठीक है, फोर पार्ट्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के विद फुल कंसेप्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। अगर आप देखना चाहें तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। DDQ क्या है, जिसमें हम समझेंगे पहले कंसेप्ट को DDQ के, और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले DDQ होता क्या है, व्हाट इज़ DDQ, कहाँ ये अटैक करता है, और हाउ इट अटैक्स, कैसे ये अटैक करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, क्या है DDQ? DDQ एक डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। कहाँ अटैक करता है DDQ? अटैक करता है एलाइलिक हाइड्रोजन पर या बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर। कहने का मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। अब एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये कैसा हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको एलाइलिक बोलते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, जैसे हमारा ये बेंजीन है, दिस इज अवर बेंजाइलिक हाइड्रोजन। फिनाइल रिंग के जो नेक्स्ट CH2 लगा होता है उसके ऊपर वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे अटैक करता है। इसके अटैक करने का जो मैकेनिज्म है उसमें ये सबसे पहले रिमूव करता है हाइड्रोजन को एज H- और फिर रिमूव करता है एज H+। सबसे पहले हाइड्रोजन, देखिए H2 रिमूव होना है हमारे पास एक DDQ इक्विवेलेंट से, तो सबसे पहले जो एक H निकलेगा वो एज H- निकलेगा, और फिर एक H एज H+ निकलेगा। अब कहीं इसको ऐसे भी समझते हैं, H- का निकलना, देखिए मतलब कि जैसे ये कुछ भी मैंने R ग्रुप ले लिया, कुछ भी हो सकता है ये कार्बन का, यहाँ से हाइड्रोजन जो है एज H- निकलेगा, मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलेगा। और H+ का मतलब क्या हुआ कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे के निकल रहा है, यही होगा। तो H- को हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास जो है विद बॉन्ड रिमूवल हो रही है पहले, और सेकंड टाइम पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो विदाउट बॉन्ड निकलेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि विदाउट बॉन्ड निकल रहा है, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी ध्यान रखिए, एज अ H- निकलेगा पहले, या एज अ विद बॉन्ड निकलेगा, या कह लीजिए उसके बाद एज अ H+ निकलेगा या विदाउट बॉन्ड निकलेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस को, कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं DDQ की। हर किसी में काम तो DDQ ने यही करना है, निकालना हाइड्रोजन को ही है। पहले H- की तरह निकालेगा, फिर H+ की तरह। बट कैसे कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। सबसे पहले हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ एरोमेटाइजेशन, मतलब कि हम हाइड्रोजन रिमूव करके किसी भी सिस्टम के अंदर एरोमेटिक करेक्टर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास टॉलिन गिवन है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन से उसको बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डी प्रोटेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है DDQ की, जो कि CSIR नेट में रिपीट भी हुआ है 2 बार इसका क्वेश्चन। किसकी डी प्रोटेक्शन करता है ये, OPMB ग्रुप की, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यूज होता है फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा OPMB ग्रुप का, OPMB ग्रुप R-O-CH2 देन दिस बेंजाइल ग्रुप। पैरा पोजिशन पर क्या लगा होना चाहिए, मिथॉक्सी। पैरा पोजिशन पर मिथॉक्सी ग्रुप, किसके पैरा पोजिशन पर, बेंजाइल ग्रुप के। ये होगी हमारे पास बेंजीन, और बेंजाइल क्या है, ये CH2 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो OCH2 बेंजीन OMe सिर्फ इस ग्रुप की डी प्रोटेक्शन करता है और हमारे पास फॉर्मेशन कर देता है अल्कोहल की। नेक्स्ट क्या है इसकी एप्लीकेशन, ये कहाँ पर यूज होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वेजी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब क्वेजी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, क्वेजी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर एरोमेटिक बट हैविंग अ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसके अंदर एरोमेटिसिटी होगी और ड्यू टू दिस प्लस माइनस चार्ज की प्रेजेंट की वजह से।
नेक्स्ट जो है वो है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंसर्ट करता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा बट उसके साथ साथ साइक्लिक प्रोडक्ट भी बना देता है। अब हम इसकी एक एक करके एप्लीकेशन के सब एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे विच इज़ फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन। ओके, DDQ भी बने, DDQ हमने बोला क्या करेगा, सबसे पहले एच नेगेटिव की तरह हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और फिर एच पॉजिटिव की तरह हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब बात आती है कि एच नेगेटिव की तरह कहाँ से करेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए या बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन लगे हुए ये कैसे हैं, इस साइड से देखें तो ये एलाइलिक है, इस साइड से देखें तो ये बेंजाइलिक है। डेट मीन्स ये वाले दोनों हाइड्रोजन जो है वो हाईली एक्टिव हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले इन्हीं हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, देखिए OH, इन हाइड्रोजन की रिमूवल एज अ क्या हो रही है, एच नेगेटिव। तो यहाँ पर ये पीछे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगर हम देखें इसके बाद ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो तो हमारे पास कैसा, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ डबल बॉन्ड और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास DDQ ने अभी अपना आधा काम किया, सिर्फ एच नेगेटिव की तरह निकाला, पर एक इक्विवेलेंट DDQ एक H2 को निकालता है बट अभी सिर्फ एच नेगेटिव निकला, एच पॉजिटिव निकलना बाकी है। तो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकलेगा, एज एच पॉजिटिव निकलेगा। तो देखिए अब ये निकलेगा कैसे, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पर अटैक करता है, पॉजिटिव पर। देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, अगर ये वाले लोन पेयर अटैक करते हैं इस वाले कार्बन पर, ठीक है, तो हमारे पास कितने मेंबर की रिंग बनती, देखिए 1, 2, 3, 4। बट जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर हम अटैक करते तो कहाँ पर अटैक करता है, ये इस वाले कार्बन पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर की रिंग बनती। देखिए एक तो ये बात कि 6 मेंबर की रिंग ज़्यादा स्टेबल है 4 मेंबर की रिंग से, दूसरी क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है वो टर्शरी कार्बोकेटायन है और यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो ऑब्वियसली टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है तो हमारी रिएक्शन इसी से आगे प्रोसीड होगी। तो वहाँ पर लोन पेयर का अटैक कहाँ होगा, यहाँ, और हमारे पास साइक्लाइज प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, H, और तीन बॉन्ड बना रहे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है, हमें इसको स्टेबल करना है। तो जो हमारा DDQ है यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन की नीड कैसे निकलने की है, H पॉजिटिव, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के निकलने की है। तो वही होगा, एज अ H पॉजिटिव निकला DDQ की हेल्प से हाइड्रोजन और हमारे पास फॉर्मेशन हुई हमारे प्रोडक्ट की। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या हुआ, सबसे पहले डिहाइड्रोजनेशन हुआ विच इज़ फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वेजी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेजी एरोमेटिक कंपाउंड एप्लीकेशन से एग्जांपल है। अब DDQ क्या हुआ, यस, क्या निकाल लेगा ये, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, कहाँ से, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजिशन पर। तो ये पोजिशन कैसी है हमारी, बेंजाइलिक पोजीशन है क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप लगी हुई है यहाँ पे। तो हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल होगी यहाँ से, कैसे रिमूव होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन एज अ एच नेगेटिव, एज अ एच नेगेटिव निकला तो यहाँ पर क्या छोड़ गया, पीछे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर फिनाइल। नेक्स्ट देखिए, अब एक तो हमें ये पता है, देखिए DDQ कैसे निकाला है, एक बार एच नेगेटिव निकाला है तो दूसरी बार एच पॉजिटिव ही निकालेगा। अब एच पॉजिटिव कहाँ से निकालेगा, यहाँ पर तो हर जगह पर बेंजाइलिक और एलाइलिक ही प्रेजेंट है, और तो कुछ बेंजाइलिक प्रेजेंट है और तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। पॉजिटिव निकालेगा, वो निकालेगा ये हमारे HClO4 से। HClO4 से निकालने के बाद HClO4 से जब DDQ ने हाइड्रोजन निकाल लिया H पॉजिटिव वाला, तो पीछे क्या रह गया, ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव कहाँ पर आ गया हमारा, अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास, ClO4 नेगेटिव। ठीक है, और अब ये कैसे, और ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड क्वेजी एरोमेटिक है। तो इस प्रोसीजर से हमारा क्वेजी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ DDQ। DDQ के रिएजेंट में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि हमारे पास हाइड्रोजन बेंजाइलिक या एलाइलिक होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पहले एच माइनस निकलेगा फिर एच प्लस निकलेगा, बस, और सभी एग्जाम्पल्स जो है वो हो जाते हैं।
अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3, ये देखिए, ये एरोमेटाइजेशन एप्लीकेशन से है एग्जांपल। सबसे पहले डीडी के उन्हें क्या करना है, हाइड्रोजन को निकालना है। कैसे हाइड्रोजन को निकालना है, एज अ एच नेगेटिव, फिर एज अ एच पॉजिटिव निकालना है। पहले नंबर पर ये, सेकेंड नंबर पर ये। सबसे पहले एच नेगेटिव कहाँ का निकालना है, एलाइलिक और बेंजाइलिक का। देखिए अब ये वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। ये वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन है। हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए इन कार्बन के ऊपर, यहाँ पर है बट यहाँ पर तो नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन हमारा यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से जब हमारा हाइड्रोजन निकला तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई एम ई एज एच नेगेटिव गया तो पीछे क्या छोड़ गया, एच पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या होगा, एज अ एच नेगेटिव निकलेगा, एज अ एच पॉजिटिव निकलेगा एग्जांपल। अब एच पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ठीक है। तो डी डी के ओ ने क्या किया, देखो डी डी के ओ को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव है, इसने इसको लिया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लिख दिया। ये क्यों, देखिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करूँ ये भी आपको समझा देती हूँ। अभी जब इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एम ई आया और यहाँ पर भी एम ई आ गया। हमें कितने इक्विवेलेंट की बने डी डी के ओ के, दो इक्विवेलेंट है। अभी हमने यूज़ कितने किए हैं, सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट को यूज़ किया है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट जो है वो एच टू को रिमूव करता है एज अ एच नेगेटिव एंड देन एज अ एच पॉजिटिव। तो अब दूसरा इक्विवेलेंट डलेगा डी डी के ओ का, उसने भी क्या करना है, एज एलाइलिक कार्बन ढूंढेगा और बेंजाइलिक कार्बन ढूंढेगा। इसने सबसे पहले देखा बेंजाइलिक कार्बन, भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, फिर देखा कि ये डबल बॉन्ड है, इसके यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी तो एक्टिव हाइड्रोजन ही हुआ क्योंकि ये एलाइलिक हाइड्रोजन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिमूवल हुई, देखिए, हाइड्रोजन की एज एच नेगेटिव और फॉर्मेशन हुई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की। अब क्या, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें क्या निकालना है, एज अ एच नेगेटिव निकालना है एक हाइड्रोजन को। उससे पहले यहाँ पर होगी 1-2 मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी यहाँ पे एम ई। ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पर आया तो यहाँ पीछे क्या बना दिया इसने, पॉजिटिव चार्ज, और एम ई तो इसके ऊपर अटैच ही है, और हमारे पास क्या हुआ, इसकी फॉर्मेशन। अब देखिए हमने मिथाइल शिफ्ट क्यों की, देखिए कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब उसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विच इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे, जो हमारे पास क्यूनिन है ये नेगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है, एज अ एच पॉजिटिव ही तो निकल रहा है। और हमारे पास क्या हुआ, जो रिंग पहले एरोमेटिक नहीं थी वो क्या होगी, एरोमेटिक। ये रिंग एरोमेटिक थी बट ये तो नहीं थी, क्या होगी, रिंग एरोमेटिक बट विद 1-2 मिथाइल शिफ्ट। हमें आधी अधूरी नॉलेज कभी भी कहते हैं किसी बात की नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये बोलें कि ये एरोमेटिसिटी कर एरोमेटिक करेक्टर लेके आता है तो डायरेक्ट हम इससे प्रोडक्ट क्या बना देंगे, जनरल ये बना देंगे। इसमें देखिए इस कार्बन के ऊपर पहले कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तो टोटली गलत हो गया प्रोडक्ट हमारा। तो मैंने आपको क्या बताना था कि मैं ये इसको ऐसे किस फॉर्म में लिख रही हूँ, देखिए क्यू का मतलब क्या है, क्विनोन। हम क्विनोन को ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, क्लोरो, और यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, साइनो, और यहाँ पे क्या है, साइनो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो क्यू है वो तो है मेरा क्यूनिन, ठीक है, उसके आगे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मतलब कि इस पूरे को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये कैसे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्यू के ऊपर अटैच है, सिंपल वे में लिखने का। अब हमारे पास सबसे पहले हो क्या रहा है, ये एज अ एच नेगेटिव निकालता है। एच नेगेटिव जो ये कैसे निकालता है, देखिए अगर मेरे पास कोई जनरल में अगर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये एज अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है ना, लेके जा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और कहाँ पे लेके जा रहा है, क्यूनिन के ऊपर। देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके आया, तो इस क्यूनिन ने क्या गेन कर ली, ऐसे ही तो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। देखिए तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ क्यूनिन, इसके साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने, ठीक है, और यहाँ पे तो क्या रहा, डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन के ऊपर सॉरी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही तो बना हमारे पास,
और वही हम यहाँ पे ले रहे थे। अब इस ओ नेगेटिव ने क्या किया, जो हमारा कहीं से जब इसने एच पॉजिटिव लेना था तो इसने फॉर्मेशन कर दी क्यू ओ एच की। देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, जब ये दोनों बॉन्ड पैरलर हैं। यहाँ पर क्यूनीन में क्या हुआ, जब हमने इसको ये हाइड्रोजन दे दिया, देखिए इस ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन दे दिया, तो इसने क्या कर दी, डीलोकलाइजेशन के थ्रू इस रिंग में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे OH OH डाइक्लोरो और यहाँ पे क्या आएगा, डाई साइन। ठीक है, तो ये प्रॉपर एग्जांपल, प्रॉपर मैकेनिज्म है इसका ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये एग्जांपल कहाँ से है, ये एग्जांपल भी हमारा डीहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन से रिलेटेड है। कैसे हो रहा है ये एग्जांपल, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास DDGO गिवन है, एक ही इक्विवेलेंट गिवन है। अगर देखिए हमें एग्जाम में नहीं मेंशन कितने इक्विवेलेंट है, तो हम इसको एक ही मान के चलते हैं, या तो एक्सेस में लिखा हुआ मिलेगा आपको, या आपको टू इक्विवेलेंट लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज आपने एक ही इक्विवेलेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे वो किस कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास अलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन भी है और अलाइलिक पोजीशन भी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एज एच नेगेटिव निकला, यहाँ पर क्या छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, साइक्लाइजेशन करेंगे, या तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करें, या ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करें। अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है इस पोजीशन पर अटैक करते हैं, तो 1 2 3 4 फोर मेंबर की रिंग बनेगी। अगर हम इसके अटैक इधर करवाते हैं और ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बनती है, वही जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, सेम उसी साइड से ही है। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि अगर हमने, ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इस ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, इसने क्यों नहीं अटैक किया यहाँ पे, या इसने क्यों नहीं अटैक किया यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हो जाएगी सीसी की, बट इसने यहाँ अटैक क्यों नहीं किया, बिकॉज ये कहाँ प्रेजेंट है, मोर हिंडर साइड पर प्रेजेंट है, मोर हिंडर साइड पर है, और ये कहाँ पर है, ये लेस हिंडर साइड पर है। तो ऑलवेज अटैक कहाँ का होगा, लेस हिंडर साइड का अटैक होगा, और मोर हिंडर साइड जो है OH वो एज इट इज ही रहेगा, और हमारे पास साइक्लाइजेशन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एच पॉजिटिव एच आया, अब ये एच को कैसे निकलना, एच एज एच पॉजिटिव निकलना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे के निकलेगा, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, जो कि पहले चार्ज फॉर्म में, ये OH और ये बाकी सब एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारा ये। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन एप्लीकेशन से, कि कैसे हमारा DDGO ऑक्सीडेशन करता है। देखिए सबसे पहले हमने ये एग्जांपल है जिसके अंदर R क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और कैसे निकलेगा ये हाइड्रोजन, एज अ एच नेगेटिव निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज बना, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर करेगा, और देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन सब्स्टिट्यूटेड है बाय OH, कोई भी अगर कार्बोकेटाइन जिस कार्बन के ऊपर बन रहा है उसके ऊपर OR या OH ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, इन लोन पेयर से स्टेबलाइज, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड की ऐसे। ठीक है, अब वही सेम DDGO ने अभी तो एज अ एच नेगेटिव निकाला, और अब क्या निकालेगा, एज अ एच पॉजिटिव, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये देके जाएगा, और हमारे पास देखिए फॉर्मेशन हो रही है किसकी, किटो ग्रुप की, कहाँ से, अल्कोहल, तो हो गई ना ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ DDGO। अब जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें इंसर्शन कैसे होती है DDGO की हेल्प से, अब इसके अंदर इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैसे होती है, देखिए हमें DDGO कितने इक्विवेलेंट गिवन है, दो इक्विवेलेंट गिवन है। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, DDGO की एक एच नेगेटिव, एज एच नेगेटिव निकलेगा सबसे पहले, कहाँ से, बेंजाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकला CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या छोड़ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव रह गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पर क्या हुआ, हमारे पास जो गिवन है जो DDGO वो किस फॉर्म में आ गया होगा, इस फॉर्म में बन गया होगा। देखिए सबसे पहले DDGO होता कैसे है, ऐसे जब इसको एक एच नेगेटिव मिल जाता है तो ये कैसे चल जाता है, इस फॉर्म में। तो अब ये इस फॉर्म में आने के बाद ये नेगेटिव है,
इसने इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया अटैक, ओ नेगेटिव नहीं, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई CH2O क्यूनीन OH, ठीक है। ये तो हमारा पूरा का पूरा एक इक्विवेलेंट कंज्यूम हो गया। अब दूसरा इक्विवेलेंट कैसे आया, दूसरा इक्विवेलेंट जब हमने डी डी के ऊपर डाला उसने भी क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन को H नेगेटिव की फॉर्म में निकाला, यहीं से निकाल लेगा ये भी, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CHO क्यूनीन OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। डी डी क्यू किस फॉर्म में चला गया होगा, इस फॉर्म में, आफ्टर गेनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द राइलिक पोजिशन। तो हमारे पास क्या हुआ, अब इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक किया और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CHO क्यूनीन OH और CHO क्यूनीन OH, ठीक है। अब हमें देखिए इसके अंदर क्या गिवन है, हाइड्रोलिसिस गिवन है। तो जब हमारे पास इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये कैसे प्रेजेंट है, CHO की फॉर्मेशन हुई। अब ऐसे क्यों हुआ, देखिए हाइड्रोलिसिस से ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बार ही ऑक्सीजन के लोन पे ने अटैक किया, ये वाला बॉन्ड बाहर निकल गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की हमने स्टेबिलिटी ही दिखाई तो ये वाला बॉन्ड आउट हो गया। कैसे, देखिए H2O है, ऑक्सीजन के लोन पे ने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड बाहर आ गया और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CHO क्यूनीन OH और OH इस तरीके से। अब ये वाले बॉन्ड ने इधर शिफ्ट किया और ये डी डी क्यू दोबारा से बाहर, तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी CH के साथ डबल बॉन्ड O की। ये सब थे हमारे पास डी डी क्यू की एप्लीकेशंस जिसके अंदर हमने डिस्कस किया डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, ऑक्सीडेशन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, एरोमेटाइजेशन। अब हमारी एक एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है डी प्रोटेक्शन। जब सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि डी प्रोटेक्शन डी डी क्यू जो है वो किसकी करता है, ओ पी एम बी ग्रुप की, मतलब कि पैरा मिथॉक्सी बेंजाइड इस ग्रुप की। पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा होना चाहिए, किसके, बेंजाइल ग्रुप के, ओ आर, इस ग्रुप के डी प्रोटेक्शन करता है ये हमारा। अब देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने देखना है कि हमारा ओ पी एम बी कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ उसकी डिसकनेक्शन, उसकी जो है वो हमारी डी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो क्या देखा हमने, हमने इधर से स्टार्ट किया, ये वाला ग्रुप कैसे हमारा, ये तो सिंपल बेंजाइल ग्रुप है, ये तो नहीं होगा डी प्रोटेक्ट। इसको देखा तो ये कैसा ग्रुप है, देखिए पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी प्रेजेंट है, ठीक है, बेंजाइल है बट ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड तो होना चाहिए जो कि टूटता है, नहीं है, तो ये भी डी प्रोटेक्ट हमारा नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, पैरा मिथॉक्सी है, बट ये क्या है, ये पैरा मिथॉक्सी है, बस पैरा मिथॉक्सी बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, तो दिस इज ऑक्सीजन पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप है, पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल नहीं है। तो ये देखिए ये हमारा है ऑक्सीजन पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल, तो इसका प्रोटेक्ट क्या बनेगा, देखिए हमारे पास सिर्फ डी प्रोटेक्शन इसकी हो जाएगी, ये OH बन जाएगा और बाकी सब जो सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे इस रिंग के ऊपर वो एज इट इज रहेंगे, फिनाइल और इसके पैरा पोजीशन पे OMe और यहाँ पर क्या है CH2, देखिए ठीक है। तो सिर्फ इसने क्या किया, OPMB की डी प्रोटेक्शन, और ये वाला कंसेप्ट जो है वो CSIR में 2 times रिपीट भी हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये 2 हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, मैं इसका हिंट दे देती हूँ, डी डी क्यू प्रेजेंट है, एक ही इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को ढूंढना है, फिर एच नेगेटिव निकालना है और फिर एच पॉजिटिव निकालना है, तो सिंपल क्या होगा, इस रिंग की एरोमेटाइजेशन हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एग्जाम्पल में, नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, डी डी क्यू हमें सिर्फ लास्ट स्टेप में गिवन है, तो नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे, उसके बाद एच पॉजिटिव गिवन है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, उसकी साइक्लाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद डी डी क्यू के हेल्प से उस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाएगी, ठीक है। डी डी क्यू से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन थी उनके एग्जाम्पल्स जो है वो हमने सिंगल सिंगल डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।